inside. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सोएब। आज हम लोग देखेंगे एलईडी इंडिकेटर फ्लैशर और एलईडी को कैसे हम लोग इंस्टॉल करेंगे। ये जो है ये सिमटेक का है और इस एलईडी फ्लैशर का एक ख़ास बात है, इसको जलाने के लिए हम लोगों को कोई भी स्विच लगाने का ज़रूरत नहीं है। जो हमारा इंडिकेटर का स्विच है उससे ही हम लोग इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। हाँ, तो ये जो सिमटेक कंपनी का मंगवाया हुआ है मैंने, तो आप अगर इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप आपका SP125 के लिए इसे मंगवा सकते हैं। ये जो है एलईडी है, चार एलईडी, ये क्रॉस पिन एलईडी है। आप आपका इंडिकेटर का टाइप को देखकर मंगवा लेना। इसको क्रॉस पिन और स्ट्रेट पिन है इसका टाइप, दो टाइप का इसका इंडिकेटर मिलता है। और ये जो फ्लैशर हैजर्ड फ्लैशर है, इसको ये है यूनिवर्सल फ्लैशर, ये है यूनिवर्सल फ्लैशर, और इसके साथ चार फ्यूज़ भी मिल गया है हम लोगों को। ये जो है सिमटेक कंपनी का आता है यूनिवर्सल फ्लैशर। हाँ, तो इसका हम लोग सर्किट डायग्राम भी दे देंगे कैसे इसको इंस्टॉल करना है। इसके साथ टोटल 6 फ्यूज़ हम लोगों को मिल जाता है। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए ये नॉर्मल इंडिकेटर कैसा ग्लो करता है। और ये अभी कोई फ्लैशर नहीं लगाया है, ये इंडिकेटर का नॉर्मल ग्लोइंग है। तो इंडिकेटर लगवाने के लिए हम लोगों को वाइज़र में सामने की तरफ दो नट है, इसको खोलकर हम लोग इस वाइज़र को निकल सकते हैं। और नीचे के साइड भी दो नट है, उसे भी हम लोग खोल लिए थे। तो इसको खोलने के बाद हम लोग ये जो कनेक्टर है इसे खोलेंगे और हेडलाइट हमारे हाथ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका वायरिंग डायग्राम मैं आपको दे दूंगा, तो उसको देख के कर लेना। अगर आपका SP125 है तो उसके लिए येलो वाला वायर को ऑरेंज के साथ हम लोग जोड़ देंगे और ग्रीन वाले को ब्लू के साथ। अगर आपका दूसरा कोई गाड़ी है तो इसके लिए हम लोग इसका सर्किट डायग्राम दे देंगे, तो वो देख के आप लोग बहुत ही आसानी से इसे कर सकते हैं। कुछ मतलब बड़ी बात नहीं है, मैकेनिक के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। मतलब एक इंडिकेटर के साइड दोनों इंडिकेटर को जोड़ देना है इसके साइड से, और एक को न्यूट्रल दे देना है। न्यूट्रल भी हम लोग इंडिकेटर के कोई भी इंडिकेटर का न्यूट्रल दे देंगे। ठीक है, ग्रीन वायर से हम लोग इसको न्यूट्रल दे देंगे और लाल को हम लोग रिले के साथ दे देंगे। अगर आपका बजर लगा हुआ है तो बजर जहाँ पे लगा होता है वहाँ से हम लोग इसे पावर दे देंगे। ठीक है, हम लोग SP125 में यहाँ से दे रहे हैं, तो आप भी यहाँ से दे सकते हैं। तो अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका सॉल्यूशन बता दूँगा। तो ये जो है आप लोग देख लीजिए अभी कैसा ग्लो करता है। लेफ़्ट राइट और मिडिल करने से ही इसका फ्लैशिंग मोड चालू हो जाएगा। और इसका एक और ख़ास बात है, अगर आप चाबी एक बार घुमाएंगे तो चारों इंडिकेटर एक साथ ब्लिंक करेगा। ठीक है, तो ये देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, अगर चाबी हम लोग ऑन करेंगे तो चारों इंडिकेटर एक साथ फ्लैश करेगा। ठीक है, नाइट में व्यू में आपको बहुत ही आसानी से दिखेगा वो भी। तो ये जो हैलोजिन है ये उतना ब्राइट नहीं है, और अगर ये हैलोजिन है तो थोड़ा सा स्लो जलता है, मतलब फ्लैशिंग का जो मोड है वो उतना अच्छा नहीं आता। तो इसके लिए हम लोग ये क्रॉस पिन वाला एलईडी को इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल करना भी बहुत ही आसान है, तो इंडिकेटर के पीछे के साइड एक स्क्रू है, इसे हम लोग खोल लेंगे और थोड़ा सा एलईडी को हम लोग अंदर की तरफ पुश करके खोल लेंगे। ठीक है, एकदम नॉर्मल जैसे बल्ब होता है उसी टाइप का। तो एलईडी हम लोग इंस्टॉल करेंगे ऐसे ही। और ये जो है ये क्रॉस पिन है, आप आपका टाइप को सर्च कर लेना गूगल में, आपका जो गाड़ी का मॉडल है उसके हिसाब से आप लोग इसे मंगवा लेना। जो ये फ्लैशर है इसको हम लोग इंस्टॉल करने के बाद ये जो
फ्लैशर हम लोगों ने मंगवाया है, इसका लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और आपको अगर जानना है, एक स्विच के सहायता से भी आप चारों इंडिकेटर एक साथ ग्लो कर सकते हैं, वो भी मैंने बनाया है वो वाला वीडियो भी आप लोगों को दे दूंगा। तो इसी टाइप से हम लोग चारों इंडिकेटर को एक साथ लगवा लिए। तो मोड को सेट करने के लिए लेफ्ट राइट और मिडिल से आने से ही मोड आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये अभी बहुत ब्राइट है, ये देखिए चारों इंडिकेटर एक साथ ग्लो करेगा कैसे, ये देखिए ये। तो नाइट का व्यू अच्छा है थोड़ा, मतलब इसे आप लेफ्ट राइट और मिडिल से आने से ही इसको फ्लैशिंग मोड ऑन हो जाता है। इसमें टोटल 36 या फिर 40 के आसपास मोड है जो बहुत ही भयानक दिखता है रात में। तो इसका मोड चेंज करने के लिए भी वो सेम लेफ्ट राइट और मिडिल करने से ही इसका मोड भी चेंज हो जाएगा, या फिर राइट लेफ्ट या मिडिल करने से भी आपका मोड चेंज हो जाएगा। तो इसी टाइप से हम लोग इसका मोड चेंज करेंगे और ये करेंगे। और अगर आपको जानना है पिस्टन ग्राफिक्स का ये जो रिम का स्टिकर है वो कैसे हम लोगों ने इंस्टॉल किया, वो उसका भी वीडियो है, तो जाके देख सकते हैं। और ये जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग लाएंगे विदाउट कटिंग एनी वायर, फॉग लाइट कैसे इंस्टॉल करें SP125 में, ठीक है।